10 रुपए में, हाँ 10 रुपए में चीजें मिल रही हैं और मिल रही हैं, कहाँ आपको बताएंगे। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सुलेंदर परिहार और आपको हम बताएंगे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे सस्ती दुकान पे आपको ले चलते हैं। जी हाँ, जो भाई साहब की दुकान है, पार्टनरशिप तो नहीं करने वाले मेरे साथ, कर लेते हैं पार्टनरशिप, तो बिक रहा आपका, कर सकते हैं सर। खुशी देखिए इनकी, 10 रुपए में। जो सुबह सुबह कितने बजे दुकान खोली थी आपने? मैंने 9 बजे, 9 बजे दुकान खोली थी। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी पता नहीं, 10:30 टाइम हो रहा है। कितना पैसा कमाया है एक दो घंटे में? कमा लिया होगा 700-800 रुपया कमा लिया। वाह भाई, दिन में तो इतना, मुझे लगता है दुकानदार तो सोचते 500 रुपया में निकल जाए, दिहाड़ी हमारी निकल गई। और इन भाई साहब ने 400-500 रुपया जो है यहाँ पर कमा लिया है। और अभी भी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी थी। और 10 रुपए का सामान, जी हाँ, देखिए वहां से लेकर वहां पे फॉग की एक डब्बी है, फॉग की चम्मच है वहां पर, उससे अगर नजर दौड़ाएंगे जितनी आपको ये सामान दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको 10 रुपए में मिलेगा। जी हाँ, 10 रुपए में कंघा मिलेगा, 10 रुपए में साबुन की डब्बी है यहाँ पर, 10 रुपए में जो किचन का सामान मिल रहा है, ऐसी सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं हम यूज भी करते हैं। और ये देखिए 10 रुपए की टेप भी मिलेगी, मुझे लगता है 20 रुपए की मिलती है शायद, कितने की मिलती है? 15 रुपए की मिलती है। हाँ, इस पर रेट लिखा नहीं है? नहीं, इस पर रेट नहीं है, रेट लिखा नहीं हुआ है, मतलब चोर करके चोरी करके तो नहीं लाई गई? नहीं सर, चोर दुकान वो चोर माल ही होता है, नहीं जैसे दिल्ली में चोर बाजार, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं सर, हम आपको बिल भी दिखा सकते हैं अगर वैसी कोई बात है। फिर इतना सस्ता कैसे सर? आप बोला हमने 1-1 रुपया बचता है, बड़ा है 1 रुपया बचता है। हाँ, तो जो दुकानदार होते हैं बाकी लोग, वो कितना रुपया बचा रहे हैं? क्या पाँच दस रुपए, वो भी 5-10 रुपए, तो 1-1 रुपया आप इसमें बचा रहे, तो फिर फायदा क्या आप? सर क्या करेंगे, गरीबी के दिन पूरे करने। मतलब ये आपने अपने लिए किया है या लोगों के लिए? लोगों के लिए, लोगों को भी, गरीब लोग क्योंकि अभी ये 30 रुपए की मिलेगी, यहाँ पे 10 रुपए की मिल जाते हैं, गरीब लोगों को कितना 20 रुपए बच जाते हैं, 20 रुपए का वो बेचारे शाम को बच्चों को खाना खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। तो देखिए, गरीबों के लिए जो है इन्होंने ये सुविधा रखी है कि 10-10 रुपए में सारी चीजें जो है यहाँ पर दे रहे हैं, और गरीबों के लिए, और खास करके अगर हमारे रूरल एरिया की बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो पहाड़ी एरिया सटे हुए हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ में, क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट प्लान एरिया है, तो यहाँ पर मार्केट लगती है हमेशा से, जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट की मार्केट जो है फेमस रही है, चाहे वो किश्तवाड़ के लिए, चाहे वो रामबन के लिए, यहाँ पर बहुत पुरानी मार्केट है और अभी भी ये मार्केट की वजह से ही डोडा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर जो सटे हुए एरियाज है, यानी कि माउंटेन्स है, जो पहाड़ी एरिया है, वो सारे अभी भी शॉपिंग करने के लिए डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आते हैं। और गरीब लोग हैं, सारे गाँव के लोग हैं, तो गाँव के लोगों को अगर 10 रुपए की चीज मिल जाती है तो किसी दावत से तो कम है नहीं। चाचा जी भी यहाँ पर, क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहा हूँ ना मैं? देखो चाचा जी बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो ये दावत है गांव के लोगों के लिए, दावत है सिटी के लोगों के लिए भी, कहीं ना कहीं 10 रुपए की यहाँ पे सामान जो है, और बहुत चीप लगता है। आप जानते हैं कि लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे चीपेस्ट चीजें लगती हैं, सबसे चीपेस्ट शॉप है ये, बड़ी है सबसे चीपेस्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर 10-10 रुपए में जो है देखिए डब्बिया जो है 10 रुपए की, कान साफ करने की जो यहाँ पर पूरा का पूरा ये पैकेट मिल रहा है 10 रुपए में, और 10 रुपए की क्रीम भी है। वाह, ये देखिए क्रीम जो आपको दिखाने वाले हैं, ये 10 की मिलती है। हाँ, ये फ्रूट क्रीम है, ये 10 रुपए की मिलती है, ऐसे भी यहाँ पर 10 रुपए की। और कोई ऐसी चीज जो 10 रुपए की दुकान पे मिलती है? कितनी सारी चीजें हैं? 25 रुपए की दुकान पे मिलती है सर, 25 रुपए की। हाँ, इसको प्रेस लगा है। हाँ, 25 रुपए दिख रहा है मुझे, 25 रुपए की, और यहाँ पर 10 रुपए की, 10 रुपए की। डेट इसकी और तो नहीं? नहीं सर, आप डेट पढ़ सकते हो सर, 24 मंथ मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो आपको देखिए मेहंदी भी, ये मेहंदी कितने की दे रहे हैं? 10 की, 10। ये भी 10 की? हाँ जी जी। तो मुझे लगता है कि दुल्हने जरूर यहीं पे आएंगे और सोचेंगे ऐसे भी शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, तो 10 रुपए की घर वालों को कम मेहंदी। इस नेहा मेहंदी है, वो भी नामी नाम है भाई, ऐसा तो नहीं है डुप्लीकेट बनी? नहीं सर, कॉपी तो है नहीं, देख सकते। ठीक है भाई, भाई 10 रुपए का सामान जो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ में आप पार्टनरशिप कर दी है, आधा पैसा इनका आधा पैसा मेरा है ना, ठीक है ना? तो मैं भी माला माल हो जाऊँ, कब तक हम पत्रकारिता करते रहेंगे। तो इनके साथ में अब मैं भी यही फड़ी खोलने वाला हूँ, गरीब लोगों को 10 रुपए का माल जो है बेचने वाले। कैंची जो है
ये थोड़ी लेकिन क्वालिटी वाली नहीं लग रही है उतनी, 10 रुपए में तो ये नहीं उतनी क्वालिटी वाली नहीं लग रही जो चीजें, क्योंकि हाँ ये देखिए ये इंची टेप भी यहाँ पर है, वैसलीन, अभी सर्दियाँ आ रही है तो वैसलीन की बहुत जरूरत पड़ेगी, वैसलीन यहाँ पर है, रबड़ भी है छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं दिखा दूँ, जो भी यहाँ पर आएगा यहाँ पर आकर वो यहाँ पर सामान खरीद सकता है 10-10 रुपए में, सब कुछ 10-10 रुपए में, मतलब पूरी की पूरी दुकान 10 रुपए में नहीं, एक चीज 10 रुपए में मिलेगी, और 100 रुपए में तो मुझे लगता है आप बहुत सारी चीजें काम की ले सकते हो। जैसे कि मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, क्योंकि ये 30 रुपए का मिलता है दुकान पे, और उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा मुझे, ये बहुत बढ़िया है और अच्छे से आप इसके टंगा जो है कर सकते हो, ये इस चीज के लिए फिट है और बहुत बढ़िया ये चीजें। देखिए और भी चीजें आ रही हैं अभी, ये देखिए शेविंग मशीन टाइप, और भी जैसे चाकू भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसी के साथ में कूलर भी मेरे को देखने को मिल रहा है। आप किसी चीज को अगर टंगाना चाहते हैं, रूम्स वगैरह पे रहते हैं, ये देखिए नलके भी जो है, बिल्कुल सामान लाओ सामान अपनी दुकान है, तो और भी सामान जो है मिल रहा है, लोग यहाँ पर है सामान खरीद रहे हैं। आखिर में इनके साथ में इनके पापा जी भी है। कितना अभी तक जो है कमा लिया, कितना टाइम हो गया आपको इस दुकान को खोले हुए? मेरे को हो गए सर 3 महीने। 3 महीने हुए, 3 महीने में कितनी मतलब क्या हुआ कि आपने कमाई की है या नुकसान हुआ? जी सर अपना दिन निकल जाता है, थोड़ा दिन निकल जाता है, मतलब ना आपने कमाई की ना ही आप नुकसान हुआ? नहीं नुकसान हुआ, नहीं कमाया, मतलब अपना पेट पूजा कर लिया। अपने पेट पूजा, आपने बच्चे, कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे नहीं अभी, अभी आप सिंगल हो? जी चलिए सिंगल है, फैमिली है मगर बच्चे नहीं है। अच्छा नई नई शादी हुई है? जी तो मैं अब आपकी दूसरी शादी करवाने वाला हूँ। शादी है, अगर भाभी जी ने ले लिया तो मेरी बारी है। चाचा भी इधर ही, क्या कहूँ, खुश हो आप? खुश कर रहा है कोई गुजारा? कितने बजे तक, रात तक कितने बजे तक, शाम को कितने बजे तक रखते हो ये? 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक सुबह कितने बजे खोलते हो? 9 बजे। 9 बजे सर्दी है, हाँ सर्दी में थोड़ा लेट। हाँ चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर आकर 10 रुपए में चीजें ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप भी यहाँ पर आइए, कुछ खरीदना है बड़ी काम की चीजें, जैसे हमने भी खरीद ली है। कितनी चीजें खरीदी है आपने? 10 चीजें खरीदी, मतलब 100 रुपए हमने भी इनको दे दिया है। तो जरूर जो स्ट्रीट पे लोग काम कर रहे हैं उनको जरूर सपोर्ट करिए, कोई ऐसा तो नहीं आया, ये जानना जरूर चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा चलता है कि 10 रुपए में नहीं 6 रुपए कर लीजिए, ऐसा कोई आया? नहीं सर आते हैं कोई नहीं, क्योंकि आते ना बहुत आते हैं, क्या 10 रुपए का बेच रहा है, मैं तो दुकान पे गया था वहाँ तो 5 का दे रहा है। अच्छा ऐसा भी है, 10 रुपए में मार्जिन करने के लिए बनी हुई बात, लेकिन 10 रुपए में भी आज के टाइम पर 10 रुपए में भी अगर मार्जिन जो करवाता है, वाह भाई अद्भुत लोग है। डीजे सुनने पर यार को इजाजत, और आप जरूर यहाँ पर आइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, दुकान पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ये अब कमाई भी कर पाए, सिर्फ अपना गुजारा ही नहीं सिर्फ कमाई भी कर पाए।